प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जन औषधि केंद्रों से की बात। कहा कोरोना वायरस की अफवाह से बचें, डालें नमस्ते की आदत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अयोध्या दौरा, परिवार के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। कहा था सरकार के 100 दिन पूरे होने पर करूंगा रामलला के दर्शन। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा कोरे दावे की बजाय किसानों को दिया जाए मुआवजा। ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर किसानों की हुई फसल बर्बाद। लखनऊ, वाराणसी और हाथरस से सामने आए कोरोना के नए संदिग्ध। अस्पताल में भर्ती, दुनिया भर के कई देशों में अपना कहर बरपा रहा कोरोना वायरस। टिहरी के देवीधार के पास घना कोहरा बना हादसे का कारण। हादसे में वाहन सवार 6 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर, उपचार जारी।